सो हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हैलोवीन किल्स के ट्रेलर का एक रिएक्शन वीडियो। और पहले बता दूं, अगर आपने मेरे ऑलरेडी रिएक्शन वीडियोस देखे हैं, यू नो मेरे रिएक्शन इतने ब्लैंड होते हैं जैसे कि फीका गरम दूध, और इसलिए ये भी ब्लैंड होने वाला है जैसे मेरे और सारे रिएक्शंस होते हैं। दूसरी चीज़, मैं ये रिएक्शन कभी नहीं करना चाहता था। तीसरी चीज़, मैं आज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि जो द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का डीप एनालिसिस है उसके कई सारे वर्जन्स बना चुका हूँ, उन्हें कई बार अपलोड कर चुका हूँ, 6 बार ऑलमोस्ट, और वो रेंडर होने में 1 घंटे-घंटे ले रही है और बार बार ब्लॉक हो रही है यूट्यूब पे। तो इसीलिए उस बारे में बात करनी है, 2-3 चीज़ों के बारे में और बात करनी है। चलते हैं ट्रेलर की रिएक्शन पे, उसके बाद रुके रहना, ज़रूरी बात करनी है। तो रेडी स्टेडी गो। Right? The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. No. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home. What do we do? We fight. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends. Run! Go home now! He's the essence of evil. तो दिस वॉज द रिएक्शन फॉर द ट्रेलर। अगर बहुत ज़्यादा बकवास रिएक्शन था तो आई वॉर्न्ड यू बिफोर दैट। और दूसरी बात, मैं बताना भूल गया कि मैंने ट्रेलर ऑलरेडी कम से कम 3-4 बार तो देख ही रखा है। और दिस वॉज फॉर द पीपल हु वॉन्टेड माई रिएक्शन। और मेरी ओपिनियंस की बात करें तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत हाइटेंड, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इसने हाइप कर दिया मुझे मूवी के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी था। और इसने और ज़्यादा कर दिया है, अभी चल रहा है जून, आज क्या तारीख है, इट इज़ 29 जून, तो यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बचे हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए। और होपफुली 3 महीने में जो है थिएटर्स खुल जाए इंडिया के अंदर, और होपफुली ये मूवी इंडिया में लग जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, वरना आई विल रियली बी वेरी पिस्ड ऑफ, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स। और बात करें ओपिनियन की, तो बढ़िया ट्रेलर है, बस वो बात अलग है कि मेरी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से इस ट्रेलर में कुछ ज़्यादा ही माल मसाला है जो कि इन्होंने दे दिया। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट ट्रेलर, एक्चुअली गुड भी कहा मैं बोल रहा हूँ, ग्रेट। अब बात करें थोड़ी सी ज़रूरी बातों की, तो जो लोग ऑलरेडी चैनल पे पहले से हैं, पहली बात तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वगैरह वाली पूरे फियास्को की वजह से, ये अपलोड हो ही नहीं रही, अपलोड हो रही है तो ब्लॉक हो रही है। तो इसीलिए मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अगर ये नया वर्जन भी जो है ब्लॉक हो रहा है बार बार, डिस्प्यूट करने का मेरा कोई मूड नहीं है, डिस्प्यूट भी मैं करूं तो मतलब उसके में भी एक महीना महीना लग जाएगा, तो इतना टाइम मेरे पे है नहीं क्योंकि अपलोड होने में कुछ 1-1.5 हफ्ते हैं इसको। तो व्हाटएवर, शायद ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आईजीटीवी पे डाल दूं, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
being.cinephile नाम से हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड फॉलो मी देयर, क्योंकि ये वीडियो प्रॉबेबली वहां आएगी। 40 मिनट का डीप एनालिसिस ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मूवी का, मेरी आज तक की लॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा मेहनत जिसमें मैंने करी है वो वाली वीडियो है। अभी अपलोड नहीं हो रही है, वो बात अलग है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दिस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि शायद ये वीडियो वहाँ आ सके, वहाँ आने वाली है। और रही बात दो तीन बातें जो मुझे जिनके बारे में और बात करनी है, सारे नार्निया फैंस हियर मी आउट, हर वीडियो के नीचे कमेंट मत किया करो नार्निया के लिए, मतलब ऑफकोर्स किया करो, आई लव यू गाइज, आई रियली लव यू गाइज, बट जस्ट एक छोटी सी बात बता दूं तो दिस इज नॉट अ नार्निया चैनल, इट इज़ अ चैनल दैट टॉक्स अबाउट नार्निया अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। और अभी मुझे बस जल्दी से अपना ये वाला शेड्यूल पूरा करना है जो कि कुछ महीनों का बचा है, एंड आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। और नार्निया के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस बारे में बात करने में और नार्निया के ऊपर वीडियोज बनाने में तभी मज़ा आएगा जब तुम लोग नार्निया की ऑलरेडी बनी हुई और जो भी रिलीज होनी है उन वीडियोस पे बढ़िया वाला प्यार दिखाओगे, लाइक ठोकोगे, एल्गोरिथम के लिए कमेंट्स करोगे, उनको इधर उधर शेयर करोगे, फैलाओगे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और उनको देखोगे। तो इसीलिए इफ़ यू वांट मोर नार्निया वीडियोस तो प्यार दिखाओ उन वीडियोस पे जो ऑलरेडी रिलीज हो रही हैं। और ये वाली बुक ख़त्म होने वाली है, ऑलरेडी इसके 10 चैप्टर्स शेड्यूल्ड हैं, बचे हुए 5 हैं, उन पर भी हम काम कर लेंगे। अगली बुक अगर देखना चाहते हो द लायन द विच एंड द वार्डरोब तो इन वीडियोस पर प्यार दिखाओ भयंकर, ताकि मुझे मजा आए वीडियो बनाने में, क्योंकि ये वीडियोस मेरा टाइम लेती हैं, कम लेती हैं लेकिन लेती हैं। और अगर इन वीडियोस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, तो प्रॉबेबली इस बुक के बाद मैं आगे बुक्स पर ना बढ़ूँ। तो प्यार दिखाओ इन वीडियोज़ पर, प्यार दिखाओ इस वीडियो पर, प्यार दिखाओ सारी वीडियोज़ पर, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर, और मैं बहुत एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे और डेली स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, डेली फन फैक्ट्स वगैरह डाल रहा हूँ मैं आजकल। तो चैनल के बारे में अगर अपडेट रहना चाहते हो तो गो एंड फॉलो मी देयर, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। रिएक्शन कैसा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की तुम वीडियो देखना चाहते हो मेरी तरफ से, तो जो भी वीडियो अभी देख रहे हो उसमें प्यार दिखाओ लाइक ठोक के, और कुछ भी कमेंट करके, चाहे कुछ भी अच्छा अच्छा जो भी बिना मतलब का कुछ भी बस लिख दो कमेंट में, ताकि एल्गोरिथम को पता चले कि भाई इस वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ रही है और चैनल का स्टैट्स थोड़े से ऊपर जाएं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।